नमस्ते। नो माय प्रोडक्ट के अंतर्गत ट्रिपल आईएम की ओर से आज हम दिवाली की स्वीट मीठी मीठी चीज़ें लाए हैं प्रोडक्ट के तौर पे, और ये है शहद, मधु या हनी। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट हनी। हनी का एचएस कोड है 0409000, और इसके अंदर आता है नेचुरल हनी, ऑर्गेनिक हनी, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक और रॉ हनी भी। कई तरीके के हनी एक्सपोर्ट होते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन करना होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन के लिए, वो है www.apeda.gov.in। हनी क्या है? हनी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि हनी ये जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमें और कुछ नहीं ऐड करना, वो ऐड करने वाली बातें बाद में होगी, पर ये नेचुरल प्रोडक्ट है, दी ओनली नेचुरल प्रोडक्ट विच डज नॉट गेट रैंसिड और रॉटन। ये कभी ख़राब नहीं होती हैं हनी। जो शुद्ध हनी होती हैं वो कभी ख़राब नहीं होती है, और शुद्ध हनी आपके डिब्बे में रखी गई हो तो वो ऐसे ही रह सकती हैं, आपको उसको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है घर में खास करके। और ये हनी के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट हैं वो किसी की भी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी ने आयुर्वेदिक कुछ भी दवाई ली होगी तो वो भी कहते हैं शहद के साथ लेना, हनी के साथ लेना। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। दिस हनी का कोम आपने देखा होगा, और हनी के जो बीज हैं, जो कीटाणु हैं, जो फ्लाइज हैं, उसे बोलते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी अपना कोम बनाती हैं, कोम के अंदर इंडे डालती हैं, वो मधुमक्खी के और वर्कर्स होते हैं, वो अलग अलग फूल पौधे में से नेक्टर शहद निकाल के यहाँ जमा करती हैं। ये वो लोग का खुराक होता है, और उसके ऊपर बच्चे बड़े हो उसके ऊपर एक कवच डाल देती हैं ताकि वो बच्चे अपने आप बड़े हो। उनके अंदर खाना तो होता ही है, और वो बड़े होते हैं और मधुमक्खी बनती हैं। कहा जाता है कि वर्ल्ड में अगर, दुनिया में से अगर मधुमक्खी नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ वन फैक्ट, बिकॉज हमारे प्लांट्स पौधे इनको, पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका पॉलिनेशन करने के लिए मधुमक्खी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 50 ग्राम्स पर ईयर पर पर्सन मधु या शहद खाता है, इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक में, पर वर्ल्ड में 250 to 300 grams का शहद उपयोग में आता है। जर्मनी एक कंट्री ऐसी है जो पर कैपिटा हनी कंजम्पशन के लिए 2 kgs पर एनम, पूरे साल में 2 kilo वो यूज़ करते हैं, और जापान है वो 700 grams यूज़ करते हैं। सो जापान एंड जर्मनी हैव अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हनी। अब हम जानना चाहेंगे कि हनी कहाँ पे उत्पादन, हनी का कहाँ पे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड के तौर पे अगर हम देखें तो चाइना ऑफ कोर्स इज़ द लार्जेस्ट वन, सेकेंड इज़ न्यूजीलैंड ऑन वैल्यू बेसिस, थर्ड इज़ अर्जेंटीना, जर्मनी, यूक्रेन एक्सेट्रा। क्वांटिटी अगर देखी जाए तो चाइना एंड ऑफकोर्स चाइना इज़ देयर इन द अदर कंट्रीज, बट इंडिया इज़ ऑन द थर्ड रैंक एज फार एज क्वांटिटी इज़ कंसर्न्ड, बट ऑन वैल्यू बेसिस सबसे ज़्यादा हनी का जो दाम मिलता है वो न्यूजीलैंड को जाता है, और इंडिया इज़ ऑन द 8th पोजिशन ऑफ गेटिंग द वैल्यू फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ हनी। मनुका हनी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड सावरवुड हनी फ्रॉम USA आर द बेस्ट हनी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड दे फेच अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ हनी। आगे हम अगर देखेंगे इंडिया में हनी कहाँ कहाँ होती हैं, अगर आपको सप्लायर्स चाहिए या आपको खुद का बी हाइव बनाना है या हनी कीपिंग आपको खुद भी करनी है, तो सरकार उसके लिए बहुत सारी मेहनत करती हैं, आपको मदद भी करती हैं।
और यहाँ पे दिल्ली एक्चुअली हिमालयन रेंज के पूरे एरिया में या फिर इंडिया में जहाँ जहाँ भी पेड़ पौधे ज़्यादा है, फ्लावर्स ज़्यादा है, हमारे फ्लावर वैली भी हैं, इन जगहों में मधुमक्खियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो दिल्ली का जो रीजन है वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है हनी, और वहाँ प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा होती है। अबाउट 79% ऑफ हनी इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड द दिल्ली एरिया, द दिल्ली रीजन और द NCR रीजन, एंड इट अबाउट 75% 76% तो एक्सपोर्ट हो ही जाती है वहाँ से हनी। और रीजन्स जो हमारे हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो मैंने बोला नॉर्दर्न पार्ट, एंड बाकी रहा तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने बी कीपिंग मधुमक्खी का हार्वेस्टिंग के बारे में बात की है ताकि हनी मिल सके हमें। उसके लिए हमारे पास है राजस्थान, महाराष्ट्र और कहीं भी बिहार वगैरह में भी बी कीपिंग होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एज आई सेड नॉर्दर्न रीजन। अब हम आगे अगर देखें तो हनी इंडिया में क्या होती है, कैसे होती है, कितना होती है, तो वी हैव दिस स्लाइड विच टॉक्स टू यू अबाउट हमारा जो उत्पादन है वो नेचुरल हनी का है, बट हनी का वैक्स है, हनी का प्रोपोलिस है, हनी की जेली है, हनी के पोलन्स हैं, ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी कम टू नो अबाउट। वी हैव मोर देन 2 lakhs ऑफ बी हाइव्स एंड मोर देन 2.5 lakhs ऑफ बी कीपर्स इन इंडिया। सो दिस इज़ अबाउट हनी बिजनेस। देर आर 27 वराइटीज़ ऑफ हनी। अब मैं कौन सी एक्सपोर्ट करूँ, ये सवाल हर एक के मन में आता है। HS कोड मैंने दिया है, वही HS कोड आपको लगाना है। पर इंडिया के अंदर वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस 27 वराइटीज़ ऑफ हनी। इंडिया के अंदर जो हनी होती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं वो हैं टॉप प्रोडक्ट्स ऑफ हनी, मल्टीफ्लोरा हनी, यूकलिप्टस हनी, अजवाइन हनी एंड साइडर हनी। ये 4 हनी हैं जो बहुत एक्सपोर्ट होती है। साइडर हनी ज़्यादातर UAE में जाती है। नाउ हनी का जितना भी हमारा उत्पादन होता है 50% इज़ ऑलरेडी एक्सपोर्टेड एंड 50% इज़ कंज्यूम्ड लोकली बाई अस। हनी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 19% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज में है, ग्रोथ में है। और नेशनल बी बोर्ड, नेशनल बी यानी कि मक्खी, नेशनल बी बोर्ड इज अकॉर्डिंग टू दैट 2017-2018 में 1.05 लाख मैट्रिक टन हमने हनी बनाई, जो पहले हम 2005 या 6 में 35,000 मेट्रिक टन ही हनी बना रहे थे। सो हनी इज़ ऑन ग्रोथ, प्रोडक्शन इज़ ऑन अ ग्रोथ, कंजम्पशन इन विद इन इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट एक्सपोर्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। पिछले 3 सालों में अगर हम ग्रोथ देखें हनी का एक्सपोर्ट की ओर से, अब मैं जो बात कर रही हूँ वो बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए है, जो हम देखें तो वो सबसे बड़ा देश जहाँ पे इंडिया की हनी जाती है वो है USA। 3 साल का हमने यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, आप ये ग्राफ देख सकते हो कि इट इज़ ऑन अ ग्रोथ। USA, UAE, सऊदी अरेबिया एंड मोरक्को, इसमें सब जगह पे इट इज़ ऑन एन इंक्रीज हनी का बिजनेस करने के लिए, हनी को एक्सपोर्ट करने के लिए। दिस द ग्रोथ पाथ इज़ वेरी मच ओवर हियर। हनी के बारे में हमने इतनी सारी बात की, उसके अंदर ग्रोथ है, उसके अंदर हम देखें कि हनी एक्सपोर्ट करते हैं, हनी की स्टेट्स हमने देखे। अब ये हनी एक्सपोर्ट करे तो क्या, क्वालिटी क्या है हनी की, व्हाट इज़ द क्वालिटी पैरामीटर्स। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये खाने की चीज़ है, तो कोई भी खाने की चीज़ हम कहीं पर भी एक्सपोर्ट करें तो इट हैज़ टू हैव इट्स क्वालिटी नॉर्म्स। और आपकी पहचान हनी के नाम से नहीं, आपकी पहचान आपकी क्वालिटी ही है। हनी के क्वालिटी पैरामीटर्स FSSAI ने जो बनाए हैं, लिखे हैं, वो हैं बहुत लंबे, अबाउट 18-21, कौन से कंट्री में जाएगा उसके हिसाब से हैं। सुक्रोज कंटेंट, ग्लूकोज रेशियो, पोलन काउंट एंड वेरियस अदर थिंग्स। However, we have shortlisted a few of them here and they are moisture. पानी का जो content होता है हनी के अंदर वो सिर्फ 17% ही होना चाहिए। Now why? हनी गाढ़ होती है, हनी is dehydrated, तो आपको उसके अंदर
पानी जो मॉइस्चर रहता है वो बहुत कम रहना चाहिए। सुक्रोज जो एक मिठास है, नॉट ऑफ हनी, सुक्रोज एक आर्टिफिशियल मिठास है, वो हनी के अंदर आती है, आर्टिफिशियल इतनी हनी इज़ नेचुरल, पर सुक्रोज का प्रमाण 5 grams per 100 grams ही होना चाहिए, उससे 5.001 भी नहीं, विदिन 5% ही होना चाहिए। एंड पोलन काउंट, जो पोलन्स होते हैं, जो पौधों में से हमने पोलन ग्रेन्स जो निकाले हैं, वो होने चाहिए अबाउट 25,000 per gram। ये जो पोलन्स हैं वही क्वालिटी देता है हनी को, वही आपके बॉडी को शुद्ध करता है और इट हेल्प्स यू इन योर हेल्थ। हनी शुड बी फ्री ऑफ ऑल हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग्स, कुछ भी। ये हनी बहुत ही प्योर होनी चाहिए। हनी का सैंपल जो है वो SGS या इंटरटेक जर्मनी तक जाता है बनाने के लिए। हनी के अंदर मरी हुई मधुमक्खी भी नहीं होनी चाहिए। हनी शुड नॉट बी हीटेड, उसको गर्म नहीं कर सकते हम। अगर हम हनी को गर्म करते हैं तो वो हनी लंबे टाइम पर नहीं रह सकती। तो आपको खाने बनाने में हनी चाहिए, चाय बनाने में हनी चाहिए, वो अलग बात है, आपने गर्म किया पी लिया, बाकी हनी को गर्म नहीं करते हैं। और हनी कॉम जो होता है, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं हनी का, हेक्सागनल शेप का जो हनी कॉम होता है, वो हनी कॉम की प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए उसमें से हनी निकालने की, जो हमारे FSSAI यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या फिर कोडेक्स ने जो बनाए हैं, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, EIC ऑफ इंडिया, इन्होंने ये जो बनाए हैं नीति नियम प्रोसेस प्रोसीजर, वो बहुत ही आपको अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। हर एक चीज़ के आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, हर एक चीज़ के सर्टिफिकेट्स चाहिए, हर एक चीज़ के आपको ये पूरी प्रोसेस के चाहिए, कौन सी बैच का है, कहाँ से हनी आया है, वो भी आपको नोंद करके रखना है। नाउ वी विल सी अ फ्यू ऑफ डेराइवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ हनी। कन्फेक्शनरी में जो हमारे स्वीट्स बनते हैं, जो हमारे मिठाइयाँ बनती हैं, उसके अंदर आजकल डायबिटीज लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो खजूर भी आता है, पर हनी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। फिर हम इन्फ्यूज़्ड हनी, जैसे कि वनीला का फ्लेवर उसके हनी के अंदर आए, वैसे इन्फ्यूज़्ड हनी भी हम बनाते हैं और उसकी भी हम काफ़ी सारे मिठाइयाँ बनाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हनी कोटेड आते हैं और वी कैन हैव जो केक वगैरह हम खाते हैं डिज़र्ट्स में, उसके अंदर भी हम हनी डाल सकते हैं। उसका वैक्स बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ये हनी वैक्स कैंडल हैं, ये हनी वैक्स, हनी का जो वैक्स है वो फार्मास्यूटिकल में भी जाता है, कॉस्मेटिक्स में जब भी जाता है, तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ हनी के ऊपर या बीज़ के ऊपर, मधुमक्खी की हनी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्रोपोलिस फॉर गम, हनी पोलन्स फॉर हेल्थ, हनी जेली फॉर स्किन केयर, एंड अदर इंडस्ट्रीज़ आर न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ, स्किन केयर, आयुर्वेदिक मेडिसिंस, ये सब जगह पे आपके लिए हनी बहुत ज़रूरी रहती है। जो कंट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं, हमने देखा है कि वो USA है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टिंग कंट्री USA ही है, और बाकी की कंट्रीज़ हमने देखा है कि यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया वगैरह में भी हमारी हनी जाती है। सो दिस इज़ अ रेडीमेड लिस्ट फॉर यू फॉर द कंट्रीज़ वेर इन द मार्केट वेर इन यू कैन गो। USA, सऊदी अरेबिया, ये पूरा चार्ट हमने दिया है कि कितने साल में हम क्या क्या वहाँ पे कौन सी वैल्यू का भी हनी हम भेजते हैं, कौन सी वैल्यू हमें मिल भी सकती हैं। बट द बेस्ट इज़ नेशनल बी बोर्ड और अपेड़ा से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बायर्स की लिस्ट वगैरह, रेट्स वगैरह सब कुछ मिल सकता है। हनी के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेशन हमारे हैं, जो सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट ही दे रखा है कि इतने सर्टिफिकेट्स तो आपको ज़रूरी देने चाहिए, जैसे कि ISO, जैसे कि आपका ट्रू सोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, FSSAI का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया का चाहिए, हमें BRC अगर यूरोप में भेजना है तो, हमें अपेड़ा भी चाहिए। फाइटोसैनिटरी रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ ये आप याद रखिए। फूड सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ USA के हिसाब से भी जो भी सर्टिफिकेट चाहिए FDA का, वो भी हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। और भी सर्टिफिकेट्स हैं, पूरा हमने FFSI नेशनल
हेल्थ बोर्ड, फिर हमारे पास है अपेड़ा, फिर टेस्ट करवाने हैं, फिर HACCP के हैं। HACCP के अंतर्गत हमें बहुत सारे लिस्ट हैं जो हमें टेस्ट करवाने हैं, और ये टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हम करवा के हमें ये एक्सपोर्ट के साथ ये सारा देना है। देन गुड हाइजीन प्रोसीजर्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कोडेक्स, ये सारे हमें सबमिट करने होते हैं। यस, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको समझ के आगे बढ़ना है। इवन अ मर्चेंट एक्सपोर्टर नीड्स टू गिव दिस सर्टिफिकेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेसेबिलिटी, ये हनी का जो कंसाइनमेंट है, हनी का कार्गो है, हनी का कंटेनर है, हनी का बॉक्स है, वो कहाँ से आया है, अगर उसमें कुछ दोष निकला, उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला, तो वो कहाँ से आया है, वो हमें जानना ज़रूरी है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हनी को पैक कैसे करें। अगर आप बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स या कंटेनर्स में हनी को भेज रहे हैं, तो आपको ड्रम या बकेट में भेजना है, बंद बकेट में। ड्रम भी बंद होना चाहिए, और ये ड्रम जो हैं वो MS ड्रम्स होते हैं, और कोटेड विथ फूड ग्रेड इपॉक्सी कोटिंग करनी होती है उसके अंदर, और क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन हो, वैसे ड्रम्स या बकेट्स लेने हैं जो बड़े कंटेनर्स में जाते हैं। फॉर स्मॉलर पैकिंग्स यू कैन हैव ग्लास जार्स विथ एयर टाइट टॉप्स और उसका ढक्कन, या फिर आप फूड ग्रेड ड्यूरेबल प्लास्टिक भी ले सकते हो। पेट बॉटल्स आर गुड इनफ। हर एक लेबलिंग जो आप प्रोडक्ट की करें, वो EIC के मुताबिक, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक आप लेबलिंग करें, ताकि वो लेबल्स में हनी कहाँ से सोर्स हुई है ये हमें पता चले। कौन से पोर्ट से भेजेंगे? जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है तुगलकाबाद ICD दिल्ली से, और फिर उसके बाद होता है स्टार ट्रैक टर्मिनल नोएडा UP से एंड वगैरह। सो वहीं से ICD से ही ये एक्सपोर्ट ज़्यादातर होते हैं। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या क्या है। MEIS इसमें 7% मिलती है, हमें ड्यूटी ड्रॉबैक 0.15%, और हमें TMA भी मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, बट दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंट्री यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट टू। तो आप चेक कीजिए www.dgft.gov.in या फिर www.indiantradeportal.in पे, और ये चीज़ें बदलती रहती हैं सरकारी पॉलिसीज़ और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के हिसाब से आप प्लीज़ चेक किया कीजिए। ये इंटरनेशनल आपको ट्रेड फेयर, हम बोलते रहते हैं कि कौन से ट्रेड फेयर में हम जाएं, कहाँ पे ये मिलेगी, हनी के वैराइटीज़ एंड हनी के डेराइवेटिव्स और वो जिस चीज़ में यूज़ होती हैं उसके सबसे बड़ा वर्ल्ड का फेयर है अनुगा इन जर्मनी। वी हैव द सेकेंड नंबर एट गल्फ फूड इन दुबई। अनुगा इज़ एवरी 2 ईयर्स, गल्फ फूड इज़ एवरी ईयर इन दुबई इन फेब्रुवरी। IIIM टेक्स यू एवरी ईयर टू दीज फेयर्स, एंड API Arab Expo इन आबू धाबी एंड नेशनल हनी शो इन UK। चाइना में भी होता है, पर आपको ये देखना है www.10times.com पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बट द मेन शोज आर ऑलरेडी गिवन टू यू इन द स्लाइड हियर। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो, हनी को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। मैं रिपीट करना चाहूँगी, इवन एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सर्टिफिकेट्स एंड वेयर डू यू सोर्स इट फ्रॉम। हनी जहाँ से सोर्स करें उनके भी सर्टिफिकेट्स आप एक्सपोर्ट करें, वो सब आपको एक साथ सारे सर्टिफिकेट्स टेस्ट्स करने होंगे। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस प्रोडक्ट। आप अगर अच्छा लगा हो आपको ये डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फॉर सब्सक्राइबिंग टू द IIIM यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट ज़रूर लिखिएगा इन द कमेंट बॉक्स, वी डू रिप्लाई, तो आपके सवाल का हम जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।